गाइस वी आर बैक विद न्यू वीडियो। क्या हाल चाल में आपका दोस्त जय बीरपन, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूं। आज की वीडियो हम करने वाले रिव्यू इस प्रोडक्ट का, जो कि है आईबॉल रॉकी हेडफोन्स। और मैं आज आपको इसकी कुछ रिव्यूज बताऊंगा और कुछ स्पेसिफिक्स बताऊंगा। और ये जो हेडफोन्स है, ये मैंने 600 रुपीज को ऑनलाइन परचेस किया था अमेजोन से। तो आज मैं इसकी करूंगा रिव्यू। सो विदाउट गेटिंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये है मेरा आईबॉल रॉकी हेडफोन्स बॉक्स। तो उसके सामने हमें कुछ नई ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके साइड में ब्रांडिंग, और पीछे हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। टॉप पे हमें मिल जाता है आईबॉल की ब्रांडिंग, उसके नीचे हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैक्सिमम पावर 100 वॉट। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे स्पेसिफिकेशंस को भी पढ़ सकते हैं। तो नीचे हमें मिल जाते हैं इंटरनेट वॉइस चैट, मल्टीप्लेयर इंटरनेट गेमिंग, लैंग्वेज एंड अदर ट्रेनिंग, स्पीच रिकॉग्निशन एंड डिटेक्शंस। तो उसके ऊपर हमें मिल जाता है रॉकी मल्टीमीडिया हेडफोन्स विद माइक्स, सॉफ्ट लेदर टी ईयर कप्स। तो दोस्तों इस हेडफोन्स में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसका जो सॉफ्ट ईयर कप्स है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो ईयर कप्स है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नीचे हम देखते हैं इसकी प्राइस। नीचे हमें कुछ हमारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, और इसकी जो प्राइस इस पर लिखी है वो है 799, और मैंने इसको परचेस किया था 600 रुपीज़ को। तो पीछे हमें कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, साइड में भी कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ भी नहीं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम ओपन करते हैं हमारे हेडफोन्स को और करते हैं इसकी अनबॉक्स और रिव्यू। तो सिंपली हम ऊपर से इसका टैप ओपन कर देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो पैकिंग है वो बहुत सिंपल सा प्लास्टिक में कर दिया गया है, और मुझे भी ऐसे ही मिले थे प्लास्टिक में इसे रैप किए हुए। तो चलिए जल्दी से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उल्टा है लगता। सो अभी बॉक्स का काम हो चुका है, तो फेंक देते हैं। सो ये है हमारे पास हमारे हेडफोन्स, जो कि बहुत बड़े हैं। सो रैपर भी हटा देते हैं और बाजू में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे इन गेमिंग टाइप हेडफोन्स को, तो हेडफोन्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी हमें इसमें प्लास्टिक की मिल जाती है, पर फुल्ली मेड प्लास्टिक हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो इधर हमें ऊपर सबसे हम बात करते हैं इसके लेफ्ट स्पीकर की। तो दोस्तों ये है हमारा लेफ्ट स्पीकर, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ने लिख दिया है लेफ्ट। और इसके अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। हमें नीचे जैसे वायर मिल जाती है, और इधर कुछ सिल्वर इन्होंने प्लास्टिक दे दिया है, और इधर हमें माइक का होल्डर मिल जाता है, और बाजू में हमें रॉके लिखा हुआ मिल जाता है, उसके ऊपर हमें आईबॉल लिखा हुआ मिल जाता है। दोस्तों हम इसको हमारे साइज में एडजस्टमेंट वाइज हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हमें कितनी साइज चाहिए, साइज नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर हमें सॉफ्ट लेदर मिल जाता है, फुल्ली सॉफ्ट लेदर हमें मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने आपको बोला था इसके जो ईयर कप्स है वो बहुत ही सॉफ्ट है, जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। तो अगर आप बाकी के जो हेडफोन्स आते थे उनके उनका जो देखोगे, तो उनके जो ईयर कप्स थे वो बहुत हार्ड आते थे, जो कि आप देर देर तक उनको लगा कर बैठ नहीं सकते थे। पर ये जो हेडफोन्स है मुझे बहुत अच्छे लगे। हमें इसके अंदर भी स्पंज मिल जाते हैं, और इसके बाहर भी जो ईयर कप्स है बहुत सॉफ्ट मिल जाते हैं। ऊपर भी हमें लेदर का सॉफ्ट कुशन मिल जाता है, और उसकी भी साइड उसके नीचे हमें इधर लाइट स्पीकर मिल जाता है, और नीचे भी हमें सेम डिज़ाइन मिल जाती है। इधर से कौन सी भी वायर नहीं निकली, सिर्फ इन्होंने इधर दे दिया है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पर मुझे इसकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी लगी इसके ईयर कप्स इसके बेस्ट है।
जो कि मुझे बहुत, मैं देर देर तक बैठता हूँ तो भी मुझे कुछ भी ऐसे हेड में पेन नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट हमें मिल जाते हैं, मेरे हेड में भी परफेक्टली ये फिट हो जाते हैं। सो नीचे पता नहीं इन्होंने क्यों दे दिया, ये डिसअपॉइंटिंग पॉइंट मुझे इनका लगा। तो चलिए अभी आते हैं हमारे इस केबल की तरफ। सो हम हेडफोन्स को इधर रख देते हैं, और ये जो हमारे हेड ये वायर है ये टोटल 2.5 मीटर है। तो चलिए जल्दी से इसका ये वायर हटा देते हैं, उसको बाजू में कर देते हैं। सो तो दोस्तों निकल चुकी है हमारी वायर। तो हम अगर हेडफोन से नीचे आए तो नीचे हमारे हमारे पास हार्डवेयर मीन्स मैन्युअली कंट्रोलर वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाता है, जो कि एक मैन्युअली से आप इधर का ऊपर करोगे तो कम कम हो जाएगा और नीचे करोगे तो बढ़ जाएगा, और उसके ही नीचे हमें मिल जाती वायर। तो अगर आप वायर को देखोगे दोस्तों तो वायर मुझे लगता है 2 to 3 mm जाड़ है, मतलब उसका जो विथ है वो है 2 to 3 mm, जो कि वायर की भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और इस प्राइस पॉइंट पे जो हेडफोन्स है वो दमदार है, तबाही वाली साउंड मिलती है दोस्तों, तबाही वाली। तो चलिए अभी हम हमारे केबल की तरफ चलते हैं। सो केबल इसकी है 2.5 मीटर्स, और हम नीचे आते ही हमें एक कनेक्टर मिल जाता है जो कि हमारे माइक और हेडफोन्स को अलग अलग कर देता है एक वायर में से। तो ये है हमारा पिंक कलर का माइक के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइक का आइकॉन बना हुआ है, और ये है हमारा हेडफोन के लिए। और तो चलिए इसके ईयर कैप्स, इसके जो हेडफोन कैप्स है हम जल्दी से इसको निकाल कर साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे ऑडियो जैक 3.5 mm के हमें मिल जाते हैं, जो कि एक गोल्डन नॉर्मली गोल्डन प्लेटेड मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है ऑडियो क्वालिटी में भी। इससे हमारे जो ऑडियो क्वालिटी होती है इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये है पूरा हमारा 600 रुपीज़ के गेमिंग हेडफोन्स, आपको ठीक से दिखा देता हूँ। ये है सी, और आपको कुछ रिव्यू और इन्फॉर्मेशन बताए कि ये कंफर्टेबल है, कैसे नॉइस कैंसलेशन करता है, और इसकी जो मटेरियल क्वालिटी वो कैसी है। तो इसकी जो अगर मैं बात करूँ तो कंफर्टेबिलिटी की, तो कंफर्टेबिलिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जब भी आप इनको पहनते हो तो मन में मन आप सुकून मिल जाता है, इतना कंफर्टेबल हमें इस हेडफोन में मिल जाता है। और इसकी जो केबल इतनी लंबी है, आप अपने सीपीयू या मोबाइल में लगाकर रख दो, किधर भी 2 2 3 मीटर दूर आप किधर भी जाकर सुन सकते हो। सो इतना दूर मत चले जाना कि वायर ही अपनी खत्म हो जाए। पॉइंट पे आते हैं तो मुझे ये जो है हेडफोन्स बहुत अच्छे लगी इस प्राइस पॉइंट पर, जो कि मैंने इसको खरीदा था 600 के अराउंड इसमें इसको खरीदा था। तो अगर आप भी लेना चाहते हो ये हेडफोन्स जो कि आईबॉल और आईबॉल की तरफ से आते हैं, नाम है इनका रॉकी, तो आप भी लेना चाहते हो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से नीचे जाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर नई टेक्नोलॉजीज वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।